नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूँ नए जानकारी के साथ। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी भी जानकारी मिले एक परीक्षा पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, परीक्षा पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। और ये बदलाव क्या किया गया है आपको जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप खुश रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको सारी चीजें ध्यान से सुनना होगा क्योंकि आपके परीक्षा से रिलेटेड सारी जानकारी है और क्या परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है। अगर आप नहीं जानेंगे तो आपसे चूक हो सकती है और आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे मार्क्स क्यों कटे हैं, इससे पहले हम जानकारी जान लेते हैं ताकि हम पहले से सतर्क रहें और उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाल वाली बटन को दबा दीजिएगा, और जो एक घंटी है घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालूं आप तक पहुंच सके, और शेयर भी कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक जहां चाहे आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को। तो दोस्तों चलते हैं, अब आपको बता देते हैं क्या परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ले चलते हैं जहां पे न्यूज पब्लिश किया गया ताकि आप लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं द हिंदुस्तान में ये न्यूज पब्लिश किया गया और यहां पे देखिए साफ साफ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं बीएससीबी 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बदला ऑब्जेक्टिव सवालों का पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव सवालों का पैटर्न बदल दिया गया है। दोस्तों अब ऑब्जेक्टिव सवाल ज्यादा आएंगे, जान लेते हैं कैसा रहेगा पेपर का पैटर्न। यहाँ पर देखिए साफ साफ आपके सामने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ऐसे होगा नया परीक्षा पैटर्न। 100 अंक वाले विषय, इसमें 50 सवाल वस्तुनिष्ठ के थे, अब 60 होंगे, इनमें 50 का जवाब देना होगा। 70 अंक वाले विषय, पहले 35 सवाल वस्तुनिष्ठ होते थे लेकिन अब 42 होंगे, इनमें जवाब 35 सवालों का ही देना होगा। 50 अंक वाले विषय, पहले 25 प्रश्न वस्तुनिष्ठ के होते थे लेकिन अब 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, लेकिन जवाब 25 सवालों का ही देना होगा। अगर कोई विद्यार्थी सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देगा तो कोई फायदा नहीं होगा, ऐसी स्थिति में ओमार सीट पर ऊपर से 50% जवाब को ही मान्य माना जाएगा। तो दोस्तों ज्यादा लिखने की कोशिश मत करिएगा, पॉइंट पॉइंट जितना पूछा जाए वही लिखिएगा, यही बुद्धिमानी है, यही स्मार्टनेस है, यही बोर्ड चाहता है कि बच्चे के अंदर क्या स्मार्टनेस है, कैसे वो सारी चीजें व्यवस्थित कर पाता है, यही बोर्ड चाहता है।